क्या आप चाहते हो सबसे बेस्ट एडिटिंग करूँ, क्या आप चाहते हो सबसे बेस्ट एडिटर बनूँ, बट नहीं बन पाते हो भाई, कुछ ना कुछ ऐसा गलती कर दे तो कि आपका जो फोटो क्वालिटी घट जाता है, वहाँ पे आपका दिल टूट जाता है। तो गाइस आपका जो प्रॉब्लम है मैं अच्छे तरीके से सॉल्व करूँगा और अच्छे से मैं सिखाऊँगा। तो आज पूरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ गाइस। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैं सही बोल रहा हूँ तो अब तो वीडियो को पूरा देखना, और लग रहा है कि मैं सही नहीं बोल रहा हूँ तो गाइस अभी से भी वीडियो से बाहर जा सकते हो गाइस। तो चलो, विश्वास है तो रहना, नहीं है तो आप जा सकते हो गाइस। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस चलते हैं पिक्सार्ट की तरफ। तो गाइस पिक्सार्ट तो ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद गाइस इस प्लस कट में क्लिक करना है, उसके बाद ऑल फोटोज़ पे क्लिक करके आपको सीधा अपने फाइल में चले जाना है। हमारे अपने फाइल में आ गए, उसके बाद मैं यहाँ बैकग्राउंड में ले लेता हूँ। तो हमारा ये बैकग्राउंड आ चुका है गाइस। उसके बाद चलते हैं थोड़ा टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे रिसाइज पे जाऊँगा और जो फ़ोटो का साइज़ है वो मैं कुछ बड़ा करूँगा ताकि मेरा फ़ोटो फटे नहीं। तो गाइस आप लोगों का फ़ोटो फटता होगा तो आप कभी भी, मतलब आपका फ़ोटो फटता है तो अपना बैकग्राउंड का जो साइज है वो देख लेना पहले क्या है। तो यहाँ जो मेरा बैकग्राउंड का साइज़ रखने वाला हूँ, यहाँ पे रखूँगा 1717। ये चीज़ हमें हमेशा रखता हूँ कि इससे क्या है कि आपका फ़ोटो जो है ना एक बिल्कुल नहीं फटेगी और एकदम मस्त वाली होगी। तो चलो गाइस मैं यहाँ पे फ़ोटो ले ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है ड्रा टूल में। तो ड्रा टूल में जा रहा हूँ, उस पर क्लिक करना है गाइस। उसके बाद आपको जाना है यहाँ फ़ोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको जो आपके गाइस फोटो अपना फाइल में होगा उस फाइल में था पहले ना, तो हमारा फ़ोटो है यहाँ पे। और यहाँ से टर्न करता हूँ और यहाँ मैं थोड़ा साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं गाइस तो आप देखते हो यहाँ मेरा फ़ोटो जो है सेट हो चुका है। और गाइस क्या करना है कि इसमें कुछ शैडो बनाना है, ठीक है, ताकि फ़ोटो लगे एकदम परफेक्ट कि एकदम रियल है। तो उसके लिए क्या करना है गाइस, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे तीन डॉट टाइप का बना हुआ है तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है गाइस। उसके बाद यहाँ पे एक लेयर बनाना है। लेयर बनाने के बाद आपको जिस पे फोटो है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको तीन डॉट पे क्लिक करना है गाइस। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको कॉपी पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी हो गया गाइस, आप देख सकते हो। उसके बाद जो खाली वाला दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको कलर लेना है। तो गाइस यहाँ पे कलर पे क्लिक करना और उसके बाद ब्लैक पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर देना, ठीक है। तो हमारा जो कलर है ब्लैक हो गया है गाइस। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे साइड में क्लिक करना है। उसके बाद इस पर क्लिक करके हो गया गाइस, हमारा जो ब्लैक हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से तीन डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मर्ज कर देना है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद क्या करना है, ये वाले जो है लेयर आपको नीचे रखना होगा, ठीक है गाइस। ये लेयर को मैं नीचे रख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तीन डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूँगा ताकि लगे एकदम रियल है। तो वैसे आप देख सकते हो कि हमारा जो है इस टाइप का है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कम कर दूँगा ताकि गाइस ये लगे कि हाँ भाई रियल है, ठीक है। तो गाइस मैं इसको यहाँ से डन कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ हमारा जो फोटो है डन हो चुका है गाइस। तो अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे कुछ लाइट में लगाने वाला हूँ ताकि आपको एकदम फोटो परफेक्ट बने। तो उसके लिए कुछ नहीं है, बस एक लाइट है, येल्लो लाइट है, मैं उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो आपको जाना है ऐड फोटो में। तो गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद आपको जो फोल्डर में होगा वो लाइट ले लेना है। तो मैं यहाँ फोल्डर में है मेरा लाइट, मैं ले लेता हूँ। मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना गाइस, ठीक है। तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा गाइस। उसके बाद आपको जाना है इस पर, उस पर स्क्रीन पे क्लिक कर देना है गाइस, ठीक है। कुछ स्टेप का आपको ये लगा देना है, ठीक है गाइस। तो आपको यहाँ पर मैं डन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे डन करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, सीधा आपको चलना है लाइट रूम में, ठीक है। तो लाइट रूम में कब जाना है, पहले आपको कुछ यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे जो हेयर स्टाइल है उससे पता चल रहा है कि हमारा जो फोटो है सेट किया गया है। तो गाइस कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है गाइस, आपको पिक्सार्ट में ही हेयर स्टाइल मैं यहाँ पर लगाऊँगा। कुछ PNG हेयर स्टाइल का मैं वो PNG सेट करने वाला हूँ गाइस। तो पहले चलो यहाँ पर इसको डन कर लेता हूँ। तो गाइस डन करने के बाद फिर से चलता हूँ ऐड फोटो में। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना हेयर स्टाइल ले लेता हूँ।
तो मैं इसको यहाँ पे सेट करने वाला हूँ गाइस, ठीक है। इसको यहाँ पे जूम करने के बाद गाइस आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। उसके बाद इसको हल्का कम करना गाइस। उसके बाद अगर आपको इरेजर पे क्लिक करना है, बाकी जो फालतू जो है उसको यहाँ पे हटा देना है। फिर से जूम करना है गाइस, हल्का सा इसको थोड़ा घुमा के रखना है। चलो इसको बढ़ा कर देख लेते हैं कि क्या सही गया है कि नहीं गया है। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हेयर स्टाइल है एकदम बिल्कुल सेट हो चुका है, बट कुछ यहाँ पे हेयर स्टाइल का कुछ ज़्यादा ही डार्कनेस कलर हो गया है गाइस। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है और जाना है एडजस्ट में, ठीक है। एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप यहाँ से कलर जो है एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हेयर स्टाइल जो कलर है मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस अपने हिसाब से यहाँ पे जो है मैं तो ये स्टाइल दूंगा। आप यहाँ पे आपको हेड एडजस्ट करना ज़रूरी है गाइस, ताकि आपकी जो फोटो, ये नहीं कि आपका हेयर स्टाइल जो है थोड़ा डार्कनेस हो गया, आपका बॉडी से मैचिंग नहीं कर रहा है तो बिगाड़ है गाइस। ऐसा नहीं करना, अच्छे से करना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हो, मतलब यहाँ पे सेटअप हो चुका है गाइस। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डन करता हूँ। तो बस डन करने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ से चलना है लाइट रूम में, कुछ कलर सेटिंग करना है गाइस। तो यहाँ से मैं अपना फोटो को सेव कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको यहाँ पर तीन डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव इमेज पे क्लिक करके सेव कर लेना है गाइस। तो चलते हैं लाइट रूम में और वहाँ पे कुछ कलर सेटिंग करते हैं। तो गाइस हमारा जो फोटो है यहाँ पे आ चुका है गाइस, ऐड हो चुका है लाइट रूम में। तो गाइस चलते हैं अब कुछ कलर सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइट में यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट को थोड़ा बढ़ाना है, थोड़ा इसको भी हल्का सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं गाइस, नॉर्मल रखना है ताकि आपकी जो बैकग्राउंड से मैचिंग कर जाए। यहाँ पे थोड़ा वाइट को थोड़ा कम रखेंगे और थोड़ा ब्लैक है थोड़ा, उसको मैं थोड़ा बढ़ा कर रखूँगा हल्का। उसके बाद तो यहाँ पे थोड़ा आपको थंबनेल यहाँ पे भी इस पर क्लिक करना है गाइस, लाइट के जस्ट नीचे आपको बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मिक्स पे क्लिक कर लेते हैं गाइस। उसके बाद आपको यहाँ पे रेड पे थोड़ा कुछ काम करना होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं रख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, मीडियम। थोड़ा डार्कनेस हो जाएगा, इसको मैं लाइट थोड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बस इस पर अपना सेटिंग करना है। देखो इस पर आपको क्या करना है ना कि लाइट रूम में आने के बाद आपको क्या करना है, खुद पे अपना फ़ोटो जो होगा अपने हिसाब से जो कलर सेटिंग है खुद से करने का, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ इस टाइप का फोटो है या आप सेटिंग कर रहे हो तो गाइस आप अपने हिसाब से सेटिंग करना। तो गाइस मैं इसको थोड़ा, मैं इसको भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, इस साइड में कर लेता हूँ, थोड़ा डार्कनेस हल्का डार्कनेस रख लेता हूँ, इसको भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा इसको भी यहाँ पे हल्का सा डार्कनेस, थोड़ा हल्का सा लाइट, हल्का सा डार्क, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ इसको भी थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा मैं रख लेता हूँ, इसको भी हल्का सा इधर, इसको हल्का इधर। उसके बाद आपको कुछ फेस पे कलर करने के लिए आपको सबसे लास्ट में जाना है, यहाँ पे थोड़ा फेस पे लाइट कर देना है गाइस, ताकि आपको जो फोटो है परफेक्ट मस्त लगे। तो कुछ हल्का सा रखना है, ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल एकदम सेट हो चुका है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे कम रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे डन करना है आपको। उसके बाद करना है इस पर गाइस थोड़ा फेस स्मूथ करना है। फेस स्मूथ करने के लिए आपको यहाँ पे सबको हल्का हल्का बढ़ा देना है गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस फिर से मैं जाऊँगा कलर सेटिंग करने के लिए और यहाँ पे कुछ हल्का येल्लो टोन थोड़ा रखूँगा, ताकि जो हमारा फोटो है फोटो से हम एकदम बिल्कुल मैचिंग कर जाए, बैकग्राउंड से भी मैचिंग कर जाएगा इस, ठीक है। आपको भी थोड़ा यहाँ पर थोड़ा नहीं, ज़्यादा मीडियम रखना है इस। इसके बाद थोड़ा इसको बढ़ा लेता हूँ और इसको कम कर लेता हूँ।
तो गाइस आप देख सकते हो कितनी अच्छी फ़ोटो लग रही है। थोड़ा यहाँ पे कुछ क्लैरिटी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा इसको भी थोड़ा यहाँ पे हल्का सा दे दूँगा ताकि फ़ोटो बेस्ट बने। तो गाइस ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो कितना बेस्ट लग रही है गाइस, ठीक है। आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, थोड़ा ब्लैक को थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा रखना है, हल्का सा थोड़ा बढ़ा लेना है गाइस ताकि फ़ोटो जब बिल्कुल परफेक्ट बने। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो फ़ोटो पहले आप देख लो, पहले का जो फ़ोटो यहाँ पे, पहले का फ़ोटो देख लो गाइस, अब लाइट रूम आने के बाद फ़ोटो का क्वालिटी कितना अच्छा चेंज हो जाता है गाइस। तो आपके पास लाइट रूम ऐप नहीं है तो आप जाके प्ले स्टोर में सिंपल सी डाउनलोड कर सकते हो गाइस। तो गाइस देख सकते हो कितनी बिल्कुल मस्त फ़ोटो लग रही है गाइस। तो आशा करता हूँ गाइस कि आपको ये फ़ोटो एडिटिंग वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइस अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना गाइस। और चलो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस, तो एंड बाय बाय एंड टेक केयर।